एक्चुअली वैसे काफ़ी अच्छा हो गया, अगर बाहर ना ना हो बस। चलें जी इसको चेक करते हैं, उसने 4 मिनट की क्रमलिंग की थी। हाँ धो दो। अच्छा इसके भी बाद में ना चंक्स ही लग करेंगे, क्योंकि टप्पू सूखने में टाइम जितना लेता है ना फिर उतनी मुश्किल होती है। जब वो उसको तोड़ते मतलब क्रमलिंग जब करते हैं तो बस ऐसे ही सही नहीं रहता। अच्छा कल जो मैंने अच्छा उसकी वीडियो नहीं अभी अपलोड हुई, इसके बारे में बात करनी थी कि वो उसके अंदर मड पता नहीं कैसे ऐड हुई है और वो टेक्सचर असल का जैसे जो मेरा हैंडमेड ग्रीटी टेक्सचर था ना मड वाला टेक्सचर बन गया हुआ है ग्रीटी मड, लेकिन वो उसके अंदर उसको ना वॉश करके ना इंशाल्लाह तो उसके अंदर सारा सारा वो निकाल लेंगे मड जितनी भी है। ये ग्रीटी टेक्सचर भी आ गया, लेकिन यहाँ हम विश करते हैं स्पेशल की अगर उनको उनकी हैप्पी बर्थडे थी तो ये हैप्पी बर्थडे आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला खुश रखे आबाद रखे ढेरों खुशियाँ, अल्लाह ताला आपको दे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। उसके अलावा यहाँ आ जाते हैं, अच्छे नहीं ये इसकी भी ट्रिमिंग करते हैं, इसमें 0 साइज स्टोन है काफ़ी सारे। चलें जी इसको अलग करना है, इसकी भी इंशाल्लाह आज वीडियो बना लेते हैं, काफ़ी देर से नहीं बनाई। इसको चेक करते हैं इस टेक्सचर को। अच्छा पहले मैं इधर ही घूम के गई हूँ, इधर ही आ गई हूँ उल्टी साइड से, इस लैब है शेप ले लेते हैं।
चलो अब थोड़ा कहीं और जाते हैं। इधर मैं आ जाती हूँ। अच्छा, इस टेक्सचर का ना पता नहीं था कि कौन सा टेक्सचर है। मैंने कहा चलो उसको ऐसे ही क्रम्बल कर लेंगे तो पता चल जाएगा। चलें जी, बाकी मैं अभी व्लॉग बनाना है एक और, उसके लिए उसमें कर लेंगे हम क्रम्बल। थोड़ा अंदाज़ा हो रहा लगता है वो उस टेक्सचर की है ये। बाकी यहाँ चारकोल के पास आते हैं। चलें, ग्रिटी चारकोल है, इसकी क्रम्बलिंग करते हैं। देख लें सायरा, मैंने आपके लिए ज़्यादा सारी ग्रिटी टेक्सचर की भी क्रम्बलिंग की है, ड्राई की, उसकी डैम ड्राई और सॉफ्ट की। चलो अब ये थोड़ा सा टेक्सचर है, इसकी क्ले पॉट में क्रम्बलिंग करेंगे, रिक्वेस्ट भी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही थोड़ा रह गया ये ना, मतलब टूटता भी बहुत है, सॉफ्ट है ना। तो चलिए इसकी सेटिंग बना के ना फिर इसकी क्रम्बलिंग करेंगे। मैं थोड़ा बस अपने ब्लॉग यहाँ थोड़ा सा करते हैं, चार मिनट कह रही हूँ, प्योर एशेज। इसकी इधर ही वीडियो बना लेंगे, लोग काफ़ी लंबा हो गया मुझे लगता है, दो पार्ट में आएगा। तो अभी नीला उनके लिए भी लोग बनाना है मैंने। या तो इसकी पेस्ट पोरिंग पहले करेंगे ऊपर, देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, या टप में इसकी क्रम्बलिंग कर लेते हैं।
चलिए पहले एक व्लॉग तो पूरा कर लूँ मैं, फिर इसके वीडियो बनाते हैं। यहाँ ये भी मेरा चारकोल टेक्सचर है, लेकिन ये थोड़ा सा है, इसमें ज़ीरो सा स्टोन है, और इसको व्लॉग के लिए रख दिए। हालांकि इतने दिन का टप में पड़ा, और देखे बेचारे की हालत। इसकी शेप्स मेकिंग ही कर देंगे, थोड़ा सा है, ये भी है और ये भी है। चारकोल के तकरीबन तीन टेक्सचर हैं जो सिर्फ लोग के लिए हैं, शायद इसलिए खलारा ज़्यादा पड़ता है। बंदा इनको एक ही कर ले। चले, एक दिन मैं सोची थी कि ब्लॉक टेक्सचर ना सारे अलग अलग, मतलब एक ही जगह पे रख लेते हैं। फिर मैंने कहा आप लोगों को इसका मज़ा नहीं आना, तो ये क्या एक ही जगह पे सारे टेक्सचर। चले यहाँ आपको दिखा देते हैं, प्योर सैंड। ये वो सैंड है जो निकली है ज़मीन के अंदर। ये अच्छा, ये ना ज़मीन से निकली है मिट्टी, शायद मैंने उस दिन व्लॉग में बताया था। इसके अंदर ना ये देखें मिट्टी है। इसकी पहले भी मेरे पास शेप्स नहीं, आप लोगों ने इतनी पसंद करते थे कि मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो कहती थी हम मुझे बेच दें ये टेक्सचर। तो उस दिन हमारा दोबारा से बोर होना था, तो मैंने कहा मैं निकलवा लेती हूँ, तो सब कहें लो इतनी ज़्यादा मिट्टी क्या करनी है। तो मैंने कहा नहीं, ये बहुत कीमती मिट्टी है, ये मुझे चाहिए। इसमें रेत और मिट्टी दोनों मिक्स होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी। इसमें मतलब सीमेंट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, और खनकती सी आवाज़ होती है इसकी। यहाँ देखते हैं अपने टेक्सचर को, अच्छा प्योर मट की क्रमलिंग करनी है। आप कहते हैं कि हर व्लॉग में प्योर मट को ना भूला करें, जब आप प्योर मट के पास से गुजरते हैं हमारे दिल से छुरियाँ चलती हैं जब आप बग़ैर क्रम्बल किए गुज़रती हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैं ना उसके पास जाती हूँ, थोड़ी सी मट की क्रम्बलिंग करके फिर व्लॉग एंड कर देते हैं। चलें इसको यहीं पे बस करके चलें जी, हम मट के पास चलते हैं, मट थोड़ी दूर है, चलते चलते पहुंच ही जाएंगे। चलें यहाँ थोड़ी सी ये वाली ग्रिटी मट करते हैं हम। ये नाम ही सजेशन करके बता दिया अगर इसका क्या इनके, क्योंकि कोई अब दो हैं मेरे पास जो हैं स्टोन वाली मड, एक तो ग्रेनी हो गई ना बारीक है जिसमें स्टोन। तो बाकी उधर क्रम्बलिंग करते हैं, उसकी ना स्लैब उधर पड़ी है, उसमें थोड़ा सा वाटर है, मैंने कहा इसके अंदर क्रम्बलिंग कर लेते हैं।
इतनी ज़्यादा मड क्रम्बल की फिर भी अंदर पानी ठहरा नहीं हुआ इसका, इसको हम शेप में निकाल लेंगे। शेप्स में निकालने वाला आइडिया ना बेस्ट होता है। चलें ठीक है, इसकी क्रम्बलिंग ख़त्म की। इसका जो थोड़ा 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 हार्ड है ना, ये देखें, ये थी, ये जो है क्या कहते हैं इसे, ये ना मैंने उनके तरफ ASMR के पास देखी थी, मतलब अच्छा आइडिया था कि वो इसके अंदर मड्डी लगाती थी ऐसा, तो ये इसके अंदर सुराख है, तो इसके सुराख का पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं सुराख कैसे बंद किए थे उन्होंने, क्योंकि ये तो अंदर से निकल जाना है, वो देखे निकला हुआ है कि इसके अंदर अगर हम टेक्सचर डालेंगे तो ये तो रहना ही नहीं है, क्योंकि इस मैंने सोचा इसके अंदर डाल दे लेकिन इसके अंदर आना नहीं, इसके अंदर हम कोई वीडियो बना लेते हैं मड की ही ना। इसको शेप्स में निकालते हैं, ये इसकी है, हाँ इसकी है। चलो ठीक है, चलें जी इसको हम शेप्स में निकाल लेंगे बाद में। तो मैं सोच रही हूँ या तो अगला व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ तो या पहले वीडियो बना लूँ, ठीक है। तो वैसे खामोशी है, वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ा शोर कम होगा तो फिर शोर बढ़ेगा तो व्लॉग बना लूँगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। खुदा हाफिज़।